आज आपको अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, क्या एक पहली फीलिंग है आपकी, कैसा महसूस हुआ है? काफ़ी तो प्राउड फील हो रहा है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा कि इनके पॉइंट्स देख के, इनकी जो मेडल का टैली देख के इनको पॉइंट, मतलब अर्जुन अवार्ड 2020 का डिक्लेयर किया। तो काफ़ी खुशी हो रही कि हमें, मतलब एक स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ावा मिलने के लिए अवार्ड तो बीच बीच में देना, मतलब जैसे कि जिसके पॉइंट्स है उस हिसाब से देना अच्छी बात है, बट इस बार मेरा नाम आया तो काफ़ी खुशी की बात है। काफ़ी खुशी हो रही मुझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे बारे में, इस बारे में सोचा। कैसा है, कैसी एक जर्नी रही है अभी तक की आपकी हीरोइन के लिए, और क्या एक आपका, आपने मेहनत की है इसके लिए, ये अर्जुन अवार्ड मिलने के लिए? पहले तो मुझे स्पोर्ट्स क्या था ये चीज़ बिल्कुल ही पता नहीं थी। 2012 में जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तो बॉम्बे सेंटर में, तो उसके बाद मेरी रोइंग की जर्नी चालू हुई। तो उस टाइम तो काफ़ी डिफिकल्ट था, बट मैं जब, मतलब गांव में कुएं का काम या खेती का काम करता था, तो उस हिसाब से यहाँ पर जैसे प्रैक्टिस चालू किया तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ कि हम जो गाँव में करते वो अलग है खेत का काम, और यहाँ पर आते तो रोइंग का अलग है। तो उस हिसाब से 2012 से लेकर 2020 में हम, मतलब जब अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, वहाँ की जो जर्नी थी मेरी प्रैक्टिस की तो काफ़ी डिफिकल्ट थी, उसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना मिला पड़ा हमें। तो उसके बाद जाके आज, मतलब ये अवार्ड डिक्लेयर हुआ है। जब मैंने 2012 में चालू किया तो मेरा, मतलब ये टारगेट नहीं था कि मुझे किसी अवार्ड में, मतलब अवार्ड मिलना चाहिए या फिर क्या मिलना चाहिए। मेरा टारगेट यही था कि मैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे हासिल करूँ। जितने भी, मतलब लोग रोइंग में आने चाहते हैं, बच्चे लोग, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप फल की इच्छा ना करते हुए, आप अगर पेड़ अच्छा लगाओगे तो फल कन्फर्मली अच्छा ही मिलेगा।